समर्थकों ने कंधों पर बिठाकर जोश के साथ पहुंचाया कार्यालय। निर्दलीय के रूप में राकेश भाटी ने अपना नामांकन पत्र भरा। पाली की बात है तो भारतीय जनता पार्टी से लगातार चार बार के पार्षद, पूर्व नगर परिषद सभापति, पूर्व सांसद प्रतिनिधि राकेश भाटी ने शनिवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जोरों खरोश से रैली के साथ निर्दलीय के तौर पर अपना नामांकन भरा। इससे पूर्व भाटी ने सूरजपोल के अंबेडकर सर्किल के पास आम सभा लेते हुए जनता से इस बार परिवर्तन 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 करने की मांग रखी। मंच पर नगर परिषद सभापति रेखा भाटी व निर्दलीय के रूप में नामांकन भर रहे राकेश भाटी ने पांच बार के पाली से विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज भी पाली में प्रदूषण, पानी, स्वास्थ्य, सड़कें, शिक्षा जैसी आम समस्या का समाधान नहीं कर पाए। 25 वर्षों से हर चुनाव में नेताजी पानी की समस्या के प्रयास की बातें करते हैं, वही 25 वर्षों से प्रयास कर रही है। आज भी रोहट क्षेत्र में कई गांव में पानी से टैंकर से जनता अपनी प्यास बुझा रही है। प्रदूषण की समस्या आज भी जैसे कि तैसे बनी हुई है। समस्या के चलते शहर की कई फैक्ट्रियां बंद हो गई और लोग बेरोजगार होने की वजह से रोजगार के लिए शहर से दूसरी जगह पलायन कर गए। केमिकल युक्त पानी किसानों की खेतों में छोड़ने से वहां की खेती की जमीन बंजर हो गई है। उन्होंने अपनी पत्नी रेखा भाटी के नगर परिषद सभापति होते हुए शहर में कई विकास के कार्य करने की उपलब्धियां गिनवाई। पानी जैसे अहम मुद्दे पर अपनी पत्नी सहित पैदल जयपुर जाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि जनता जो पानी से त्रस्त हो रही है उसको देखते हुए हमने यह कदम उठाया था, लेकिन यह नेताजी को राज नहीं आया। और भी कई मुद्दों पर भाटी आक्रोश नजर आए। उन्होंने कहा कि इस बार पाली की जनता परिवर्तन करेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मुझे वोट देकर विकास की गंगा बहाने वाले विधायक को चुनेगी। उन्होंने बार बार अपने भाषण में सर्वधर्म संपन्न की बात भी कही। नामांकन रैली में सैकड़ों की संख्या में राकेश भाटी की तस्वीर की तख्तियां लेकर समर्थकों ने अपने कंधों पर बिठाकर कार्यालय तक पहुंचे और जिंदाबाद के नारे लगाए। अभी बात मैं आपको बताऊंगा, इसलिए बनाया ये 25 साल की बीमारी का ऑपरेशन अपन को करना है। इसका इलाज गोली से नहीं होगा, इसका इलाज होगा ऑपरेशन से। परिवर्तन क्यों करना अपन को? परिवर्तन सबसे पहले 25 साल से यहाँ पे फैक्ट्री की प्रदूषण की समस्या सब जानते हैं आप नेताजी हैं। 25 साल के अंदर इस प्रदूषण की समस्या को आप नहीं निपटा पाए। 11 महीने आपके राज के अंदर फैक्ट्री बंद होती है। 11 महीने व्यापारी की क्या हालत हो गई, मजदूरों की हालत हो गई है। 11 महीने को कैसे घर से चले, कुछ कर नहीं पाए। कोई बात जयपुर में भी नहीं चलती है, या सिर्फ लुंगी पहनकर बैठ जाते हैं और चन्ना मामा है। फिर आई पानी की समस्या। जब बारिश कम होती है नवी मान में तो यह अकाल पड़ जाता है और हर 3-4 साल से अकाल पड़ता है यहाँ पे। जब हमारी रेखा पार्टी चेयरमैन पब्लिक आने लग गई, माता बहन आने लग गई कि साहब पानी की बहुत समस्या है, तो भगवान ने शक्ति दी कि अपन को कुछ पाने के लिए करना पड़ेगा, सरकार को जगाना पड़ेगा। हमारे लिए नहीं, जनता के लिए, क्योंकि आप लोगों ने हमें कुर्सी दी है। सर जनता का कौन होता है? जनता का होता सरकार या भगवान। आपके आशीर्वाद से कुर्सी मिली। फिर हमने एक आइडिया लगाया कि जितने भी पानी के अंदर हेडपंप है ना, उन सब के अंदर पानी की मोटर लगाई जाए। तो हमने जहां जहां मीठे पानी थे, फीका पानी था, वहां सब पानी की मोटर लगाई हमने और 2000 लीटर की 250 टंकियां लगवाई और 20 पानी के टैंकर भरने के लिए, और ये सब टेंडर वर्क ऑर्डर करके फिर हम पैदल गए 48 दिल्ली के अंदर पैदल गए। तो गुना थोड़ी क्या हुई, अभी जनता के लिए गए। हमने 14 दिन में वहां पहुंचे, सीएम साहब मिले उनको, 19 मिनट हमसे बात की, हमने फिर उनको जानकर दी कि जवाई बांध का बंदा जब बारिश होती तो खाली हो जाता है, जिससे तकलीफ आती है। तब उन्होंने हमारी समस्या सुनी। फिर हमने कहा साहब ऐसे को 2 एनी कैप दे दो आप जवाई बांध जैसे, तो पूरे जिले के अंदर कभी समस्या नहीं आ जाए।
मैंने कहा हिंदुस्तान के अंदर पानी शहर ऐसा है जहां ट्रेन से पानी आता है। 25 साल में 50 बार ट्रेन से पानी आया और इस एमएलए की नींद खुलती है। ये दुर्भाग्य अपन का, क्या दुर्भाग्य है कि अपन सेट हो जाते हैं गोली के अंदर। और अपन को विकास है, गोली नहीं चाहिए। जो फोमन की चीज ले लेता है उसका सब ईमान भर जाता है, न वो प्रयोजन ला सकता है न वो क्रांति ला सकता है। जो अपन मजदूर लोग हैं वो रोज रोड रोटी पाता है। कोई माइका लाल किसी को दो वक्त की रोटी नहीं दे सकता। अगर वो रोटी दे सकता है तो अपनी मेहनत से दो रोटी दिन की कमाता है। और भगवान ने हम गरीब को दो हाथ दिए है, उस हाथ से अपन को धरती का सीना चीर के अपने हिस्से की रोटी कमाते हैं।